बच्चों के हाल ठीक ठाक हैं। आज हम क्लास प्री नाइन्थ और उसके टॉपिक वेन डायग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। तो वेन डायग्राम की डेफिनेशन करने से पहले हमें या उसकी फिगर बनाने से पहले हमें यूनिवर्सल सेट, डिसजॉइंट सेट, ओवरलैपिंग सेट के बारे में इल्म होना चाहिए। चलिए जी, पहले हम यूनिवर्सल सेट की बात करते हैं क्या चीज़ है। यूनिवर्सल सेट इज़ ए सेट, यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है विच कंटेन्स ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन, यानी ज़ेरे गौर मसला या प्रॉब्लम जो भी है उसके ज़ेरे गौर जितने भी सेट होंगे उन तमाम के एलिमेंट उसमें मौजूद होंगे। जैसे ए सेट है उसके एलिमेंट है 1, 3, 5, बी सेट उसके एलिमेंट है 2, 4, 6 और सी के 2, 3, 5, 7, 11, यानी तमाम के एलिमेंट जो हैं इस सेट में मौजूद हैं, इसलिए इनका क्या है यूनिवर्सल सेट है। और यूनिवर्सल सेट को हम क्या लिखते हैं, यू से रिप्रेजेंट करते हैं यानी लिखते हैं। डिसजॉइंट सेट क्या है भाई, टू और मोर सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। दो या दो से ज़्यादा सेट जो होंगे डिसजॉइंट होंगे इफ़ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट, जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ए सेट उसके एलिमेंट है 1, 3, 5, बी जो है हमारे 2, 4, 6, देखिए इनमें कोई भी कॉमन नहीं है इसलिए इनको क्या कहेंगे, ये डिसजॉइंट सेट हैं दोनों। ओवरलैपिंग सेट, टू और मोर सेट्स आर कॉल्ड ओवरलैपिंग। दो या दो से सेट क्या होंगे, ओवरलैपिंग होंगे इफ़ दे हैव एट लीस्ट वन कॉमन एलिमेंट, जिनमें कम से कम एक एलिमेंट जो है कॉमन होगा लेकिन दोनों एक दूसरे का सबसेट नहीं होंगे। देखिए इसमें हमारे पास 3 और 4 जो है कॉमन है, बाकी 1, 2 और उसके 5, 6, 7 जो हैं वो अनकॉमन है, इसलिए ये हमारे पास क्या है, ओवरलैपिंग सेट है। अगर इनमें कोई भी एलिमेंट यानी कॉमन ना होगा तो क्या होगा, वो क्या होंगे हमारे पास डिसजॉइंट सेट बन जाए। अगर इसके तमाम एलिमेंट इसमें होते फिर वो सबसेट बन जाता, इसलिए ओवरलैपिंग के लिए एटलीस्ट यानी कम से कम एक एलिमेंट ज़रूर होना चाहिए, ज़्यादा हो सकते हैं कॉमन। वेन डायग्राम, अब हम बात कर लगे इनके बाद वेन डायग्राम क्या चीज़ है। वेन डायग्राम इज़ ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, सेट की क्या है हमारे पास एक तस्वीराती नुमाइंदगी है, या उनको लिखना तस्वीर की शक्ल में बयान करने को क्या कहते हैं, हम वेन डायग्राम कहते हैं। तो इसकी एक डेफिनेशन आपकी बुक में है, ए यूनिवर्सल सेट इज़ रिप्रेजेंटेड, यूनिवर्सल सेट को हम लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, यानी रेक्टेंगल में क्या करते हैं इसकी पेश करते हैं। इट्स सबसेट, इसके जो सबसेट होंगे आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ क्लोज फिगर, तो बंद शक्ल में क्या होंगे उसके अंदर लिखे जाएंगे। बंद शक्ल मराद ये ट्राइंगल में भी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, ट्राइंगल की फॉर्म में भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि सर्कल में लिखें हम, क्या हो सकते हैं ट्राइंगल में, हम इसे ट्राइंगल में भी लिख सकते हैं। जैसे ए इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, तो हमने इसको क्या किया है सर्कल की शक्ल में इसको वेन उसके यू के अंदर लिखा है, यूनिवर्सल सेट के अंदर लिखा है, क्योंकि पता है यूनिवर्सल सेट जो होता है उसके तुम सब सेटों के एलिमेंट उसके अंदर मौजूद होते हैं, इसलिए इसे हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे। यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल की शक्ल में पेश करेंगे। तो मैं अब थोड़ी सी आपको वेन डायग्राम समझाने के लिए पहले बता दूं कि इसकी फिगर कैसे होगी और इसकी फिगर कैसे होगी, सब सेट की फिगर कैसे बनेगी हमारे पास। यूनिवर्सल सेट की बात नहीं करेंगे हम, डिसजॉइंट ओवरलैपिंग और सबसेट की बात करें, क्या करेंगे सबसेट की बात करेंगे। कीजिए जी, पहले मैं कर ले तो डिसजॉइंट सेट की बात, ये लिखे हुए सेट डिसजॉइंट की फिगर कुछ इस तरह होगी, डिसजॉइंट की फिगर कुछ इस तरह होगी, डिसजॉइंट सेट का वेन डायग्राम कैसे बनेगा जी, कुछ इस तरह बनेगा। यूनिवर्सल आपने जब भी डिसजॉइंट सेट को वेन डायग्राम पेश करना है तो इस तरह बनाएंगे ए और बी, क्योंकि दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, यानी इसको 1, 3, 5, इसको 2, 4 और 6, और ओवरलैपिंग के लिए हम कुछ इस तरह लिखेंगे, ओवरलैपिंग के लिए हम कुछ इस तरह लिखेंगे, ओवरलैपिंग सेट्स को वेन डायग्राम में कुछ इस तरह लिखेंगे। देखिए जी, ये यूनिवर्सल सेट है डेफिनेशन के मुताबिक, उसे रेक्टेंगल की फॉर्म में लिखेंगे, उसके सबसेट को क्या लिखेंगे सर्कल की शक्ल में, ओवरलैपिंग कुछ इस तरह बनेंगे।
यानी उनका कुछ हिस्सा कामन होगा, जैसे 3 और 4 दोनों का कामन है, 1 और 2 अनकामन एलिमेंट यहाँ पर लिख देंगे, बी के बी में लिख देंगे और ए के ए में लिख देंगे। तो सबसेट के लिए, सबसेट का पता ना कैसे होते हैं, सबसेट्स क्या होगा, एक मैं लिख लेता हूँ इधर रफ में, ए 1 2, बी जो है मेरे पास क्या है 0 1 2 3 एंड 4, क्योंकि इसके तमाम एलिमेंट इसमें मौजूद हैं इसलिए इसका सबसेट है। इसकी फिगर कुछ इस तरह बनेगी, यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल बनाएंगे, बी हमारे पास सुपर सबसेट है क्योंकि ए जो है सबसेट है बी का, और क्या करेंगे लिखेंगे जी बी को बाहर लिखेंगे और ए को अंदर लिख देंगे। ए के एलिमेंट 1 एंड 2 है, इसके क्या हैं 0 1 2 हो चुके, 3 और 4 इधर लिख देंगे। ये हमारे पास इनकी शेप होगी, कलर हम बाद में करेंगे। इसकी अगर आपको समझ आ जाती है, यानी डिसजॉइंट जब बात करेगा, हमने सेटों को पहले देखना है कि हमारे पास वो डिसजॉइंट सेट हैं, ओवरलैपिंग सेट हैं, आया कि वो आपस में सबसेट हैं। सबसेट की फिगर कुछ इस तरह होगी, ओवरलैपिंग की फिगर कुछ इस तरह होगी, और डिसजॉइंट की फिगर कुछ वेन डायग्राम किस तरह बनेगी। तो बेटा समझ आ गई है, हमारा लेक्चर इसके साथ खत्म होता है। खुदा हाफिज़।